छीन के थोड़ी ना लिया जा सकता है जब तक आप मन से दोगे। नहीं, ये बात तो सही है। जब तक आपने मन से दिया, मैंने मन से लिया। अरे भाई, किसने पूछा तुझसे कि तूने कब तक लिया? अरे जब लिया तब लिया, खत्म हो गया। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आप यही सोचते होंगे कि आज तक मैंने इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज क्यों बना रहा हूँ इतने दिनों के बाद? तो भाई देखो, क्या है ना, आज भी मैं उस वीडियो के बारे में तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर मैं बात नहीं करता हूँ। बात मैं ये करने के लिए आया हूँ कि असल में सच में ये वीडियो किसने वायरल कराया था, पता लगाओ। क्या सच में उस लड़के ने वायरल किया था जो इस वायरल वीडियो में त्रिशाकर मधु के साथ था? अगर मैं वायरल किया हूँ ना, तो मैं भी अभी भी बोल रहा हूँ, त्रिशा मेरे ऊपर तुम FIR करो। या त्रिशाकर मधु ने इस वीडियो को खुद वायरल किया था पॉपुलैरिटी के लिए? अरे आप लोग तो प्यार दे रहे थे, आप मैं इतना काम कर रही थी, क्यों करूंगी? क्योंकि आज तक आपने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं त्रिशाकर मधु के, उसमें त्रिशाकर मधु हमेशा उसी लड़के पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वही लड़के ने मेरे जीमेल को हैक करके और मेरा वीडियो वायरल किया, मेरा इज्जत को तार तार कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं शौक में थी, कैसे ये चीज़ वायरल हुआ। बट अभी तक उस लड़के ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोला था, मगर आज उसने एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है लाइव लॉन्ग करके, एक न्यूज चैनल है, इस चैनल पर उसने अपना इंटरव्यू दिया है और उसने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। हम दोनों की रजामंदी से वीडियो बनाया गया था, लेकिन फोन उसका। और ये जो लड़का है, इसका नाम शायद सैंडी है। त्रिशा कौर के नाम पर ही मैंने FIR किया। उसके लाइफ में एक और बंदा था। इस लड़के ने जितनी भी बातें कही है उसमें तो मुझे 80% बात उसकी सही लगती है। ये सब मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि तुम त्रिशा का वीडियो क्यों वायरल किया। हम बोले कौन सा वीडियो, मेरे पास कौन सा वीडियो है तुम्हारा, क्यों उन लोगों से बात करो, हमको क्यों फोन किया। अगर त्रिशाकर मधु की माने कि हाँ सच में इसी लड़के ने वीडियो को वायरल किया था, ठीक है, आपके जिंदगी पर इतना प्रभाव डाल दिया उसने, तो आपने अभी तक कोई भी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, अपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अभी भी बोल रहा हूँ, त्रिशा मेरे ऊपर तुम FIR करो, एक बार तुम FIR करके देखो। ये एक जेन्युइन सवाल है। जब भी कोई ऐसा मैटर होता है ना, तो ये जो हमारा समाज है ना, वो सारा ब्लेम लड़के के सर पे थोप देता है कि हाँ इसी की गलती होगी। कल को कोई और करेगा, फिर कोई और फिर फंसेगा साला कोई ना कोई लड़का, हर बार पे लड़का ही फंसेगा। ज़्यादातर लोग सच जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, और आज अगर एक तरह से देखा जाए तो सच में त्रिशाकर मधु क्या थी? वीडियो वायरल होने से पहले वो क्या थी? एल्बम में नाचती थी, एल्बम गा, भोजपुरी एल्बम गाने में। आज वो फिल्में साइन कर रही हैं, तो ये तो सच है कि उनको पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिला, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। ये तो बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, बट उस लड़के की ज़िंदगी पर क्या बीत रही है इस समय? क्या उसका कारोबार चल रहा है? क्या सब कुछ उसकी ज़िंदगी में पहले जैसा नॉर्मल है? तो नहीं। पहला तो मेरा जॉब सेक्टर खत्म, सारे काम मेरे बंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हो, अक्सर करके ऐसी चीज़ें देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, बट एक आम इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। जो एक आम इंसान है उसका अगर इस तरह का वीडियो वायरल हो जाए, तो अपने दिल से पूछो कि क्या उस जगह पर आप अगर होते तो आप अपनी फैमिली के सामने किस तरह खड़े होते, आप अपने घर के बाहर कैसे निकलते, आप खुद सोच करके देखो। मैं अपने फैमिली में प्लस अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहनों के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता। लड़का इतने दिनों से छुपा रहा, उसका कारोबार ठप हो गया, उससे उसके दोस्त यार अलग हो गए, उसकी फैमिली वाले उसे मुंह नहीं लगाते, जिंदगी तो उसकी बर्बाद हुई ना भाई। इनका क्या है, इनको जो चाहिए था वो तो मिल गया, कई बार लाइव भी आ चुकी, इंटरव्यू भी दे चुकी। आप लड़की हो, हमारे समाज में तो कहा यह जाता है कि लड़कों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ों से लड़कियों को ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो कंप्लेन आपकी तरफ से होनी चाहिए, जबकि इस वक्त कंप्लेन लड़के की तरफ से किया गया है, देख रहे हो। मैंने उस त्रिशा कौर के नाम पर ही मैंने FIR किया। और लड़का इस समय ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है,
कुछ भी स्टेप ले सकता है, कुछ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि वो आपकी तरह मॉडर्न नहीं है कि चलो भाई जो हो गया अब जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तुम करो ना भाई, तुम फिल्म बनाओ ना, तुम हॉलीवुड फिल्म बनाओ, बॉलीवुड फिल्म बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वीडियो वायरल होने के बाद जब उसने त्रिशाकर मधु को फ़ोन किया था तो उस फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग भी उसके पास है, और उसमें क्या क्या बातें हुई है उसका त्रिशाकर मधु के साथ, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। हेलो, हाँ त्रिशा बोल रही हो? हाँ कौन? सैंडी बोल रहे हैं। त्रिशा बोल रही हो? बोल रही हूँ। अच्छा बोल रहा है, ये क्या क्या नौटंकी शुरू है सबका यार, बार बार मेरे को कॉल करके पूछ रहा है वीडियो वायरल हुआ ये हुआ क्या है ये सब। मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि तुम त्रिशा का वीडियो क्यों वायरल किया, हम बोले कौन सा वीडियो, मेरे पास कौन सा वीडियो है तुम्हारा, क्यों उन लोगों से बात करो, हमको क्यों फोन किया? मुझे न्यू टाउन वाला फ्लैट में आप बनवाए थे। अरे तो वो तो तुम्हारे पास है, मेरे पास कहाँ है, वो तो तुम्हारे। अब जरा सोचिए कि जिसकी जिंदगी में इतने बड़े पहाड़ टूटे हो वो इतना पोलाइटली बात कर सकता है? अगर कोई आदमी मेरा वीडियो वायरल कर दे और वही मुझे फ़ोन करे मैं तो भड़क जाऊंगा ना यार, इतनी आसानी से कैसे कह दूंगा कि तुम लोग उससे बात क्यों कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ये लगता है कि यस, इस वीडियो को त्रिशाकर मधु ने या उनके किसी लोगों ने ही, जिसमें वो खुद शामिल हैं, इसे वायरल करवाया गया है जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भवंडर हो गया था तो आप इतनी आसानी से तो बात नहीं करती उससे, इतना प्यार से तो बात नहीं करती, आप तो भड़क गई होती कि तूने क्यों वायरल कराया, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो बात यहाँ लड़के की भी ज़िंदगी का सवाल है, इंसाफ उसे भी मिलना चाहिए, इंसाफ आपको भी मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हुआ वो आप लोगों की मर्ज़ी से हुआ तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो छोड़ दो। बात यहाँ है वीडियो वायरल कराने की। अगर आपको लगता है कि उसने वीडियो वायरल कराया तो आप कंप्लेंट आपने क्यों नहीं किया, कितने दिन का समय बीत गया, कोई लीगल एक्शन नहीं आपकी तरफ से, जबकि उस लड़के ने कंप्लेंट कराया है कि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है आपकी गलती की वजह से। फिर भी आप मीडिया के सामने खाली चर्चा में बने रहने के लिए उस पर ब्लेम डाल डाल के, है ना, लाइव आ जाओ, कभी कभी मीडिया के सामने आ जाओ, चेहरा चमकाना, हीरोइन बनना है ना, बड़ी हीरोइन बनना है, उसके लिए कुछ भी है। तो देखो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमेशा हर जगह लड़का ही गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी लड़कियाँ ही गलत होती हैं, नहीं, लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है, आपको दोनों एंगल देखना चाहिए। सिर्फ किसी एक की बात सुन करके बस उछल कूद के कि हाँ उसने कैसे किया, उसको गाय मार दो, काट दो, जला दो, फांसी दे दो, ऐसी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली, पॉपुलैरिटी की ऐसी है बस, वाह जी वाह।